हमारे लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें। वेलकम, ज्ञानगंगा स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, ये सीरीज चल रहा है सेंटेंस कॉम्बिनेशन का। फिर से वही बात दोहराना चाहेंगे कि अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर है। और कम से कम पहला वो तो ज़रूर देखिए, पहला वीडियो, फिर उसके बाद आप कोई भी देख सकते हैं। उस अच्छा रहेगा कि आप लगभग सारे के सारे देख लें। छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग बोरियत महसूस ना करें, क्योंकि हम पकाना नहीं चाहते। और हाँ, आप भी कम से कम मुझे, मेरे दिल मत दुखाइए और मेरे को बताया कीजिए यार कि हाँ आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो लगा। जैसा हो एकदम कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है ना। तो चलिए, सेंटेंस कॉम्बिनेशन एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है, कंबाइन द सेंटेंसेस, है ना। थोड़ा शुरू करते हैं। ये टाइप नंबर 5 है, ये वीडियो नंबर भी 5 है, ठीक है। कि यदि किसी वाक्य में कोई सजीव जैसे मनुष्य हो तो हु का प्रयोग होगा। चौथे में बताया था कि निर्जीव है तो विच और दैट लगता है, वैसे सजीव में क्या लगेगा, हु लगेगा, है ना। कि यदि किसी वाक्य में कोई सजीव, ध्यान दीजिएगा, सजीव यानी क्या हो गया, जिसमें जान होता है ना। सजीव का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें जान है, जैसे मनुष्य, है ना। एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हम यहाँ मनुष्य लिख दिए तो आप भी केवल मनुष्य के बारे में ही सोचिए, ऐसा नहीं है। तो जैसे में कौन हो गए, मनुष्य, याद रखा जाए इस चीज़ को जरूर से कि मनुष्य। तो वहाँ क्या होगा, हु का प्रयोग होगा। फिर से हम दोहरा देंगे, यदि किसी वाक्य में कोई सजीव यानी जीवित व्यक्ति, जीवित चीज़ का अगर हो जिक्र, तो जरूर से जरूर उसमें हु लगेगा। जैसे दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है, ही इंसल्टेड मी, उसने मेरी बेइज्जती की, या जिसने मेरी बेइज्जती की। देखिए यहाँ पे ही इंसल्टेड मी, वह मेरी बेइज्जती की किया, या उसने मेरी बेइज्जती की, ये दोनों चल सकता है। और दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है। देखिए द का हिंदी ही होता है वो, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। द का हिंदी वो होता है, द का उच्चारण भी अलग अलग होता है, द और दी अलग अलग होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखें। इसका हम किसी और दिन वीडियो बना देंगे, हम लोग अभी फिलहाल जिस पे बात कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है, ही इंसल्टेड मी, उसने मेरी बेइज्जती की। अब बोल के देखिए एक बार कि यही वो लड़का है जिसने मेरी बेइज्जती की, और जिसने का हिंदी इंग्लिश हु होता है। तो अभी हम लोग देखिए, जादू, दिस इज़ द बॉय हु इंसल्टेड मी। ऐसे भी आप देखिए कि इधर जीवित है, ये बॉय क्या है, जीवित है ना। तो जीवित के लिए क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे बताया है, यदि किसी व्यक्ति वाक्य में कोई जीवित हो तो हु लगेगा। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे, दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है जिसने मेरी बेइज्जती की। और पहले ही बताया गया है कि जब संज्ञा सर्वनाम एक बार जब यूज हो जाता है तो फिर उसके बाद सेंटेंस कॉम्बिनेशन के बाद इस जगह दोबारा से यूज नहीं किया जाता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन ले लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।